आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। मौसरे की खामियों पर सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। नाइजीरिया एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना की तरफ से लॉ अवेयरनेस मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसकी सदारत एक्टिंग प्रेसिडेंट सोडियो ट्रेजर इब्राहिम, सोशल डायरेक्टर टोबी और इलेक्ट्रॉल कमेटी चेयरमैन और एलोड। इस मीटिंग में इस बात की तहविश की गई, आए दिन नाइजीरियन नेशनलिस्ट के खिलाफ जिस तरह से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिस तरह से नाइजीरिया नेशनलिस्ट के बारे में मीडिया में कहा जा रहा है, उसी को लेकर तहविश करते हुए एसोसिएशन ने एक रिसोल्यूशन पास किया है, जिसमें ये बताया है कि तमाम नाइजीरिया के रहने वाले सिटीजन हैदराबाद तेलंगाना में गैर कानूनी कामों में मुलविस ना हो। और दूसरी बात ये भी बताई कि कुछ बेगुनाह नाइजीरियन को झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है, एसोसिएशन भी उसके खिलाफ है। हिंदुस्तान और नाइजीरिया के तारीखी ताल्लुकात है और इस बुनियाद पर कई नाइजीरियन लोग हिंदुस्तान, खुसूसन हैदराबाद में आईटी सेक्टर में तालीम हासिल करने के लिए और मेडिकल सर्विसेज को हासिल करने के लिए हैदराबाद आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ नाइजीरियन गैर कानूनी कामों में मुलविस है और एसोसिएशन भी उन लोगों के खिलाफ है। एसोसिएशन ने भी डिसाइड किया है कि एक रिप्रेजेंटेशन होम मिनिस्टर को देगी, जिसमें तमाम मसाइल को हल करने की दरखास्त की जाएगी। मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आज नाइजीरियन एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ से लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है, जिसमें तमाम नाइजीरिया के नेशनल्स मौजूद अटेंड करे हैं। और ये लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया की तरफ से 15 अगस्त की पूरे देश भर को मुबारकबाद दी जाती है। और दूसरी तरफ आए दिन नाइजीरिया नेशनल्स के खिलाफ जिस तरह से मीडिया में प्रोपोगंडा किया जा रहा है, उस पर भी तशवीश जाहिर की गई है। और इनकी दावत पर बहसत वकील मुझे मधु किया गया, लीगल अवेयरनेस तमाम नाइजीरियंस को बताया गया और उनको कानून, हिंदुस्तान के कानून के बारे में भी समझाया गया और फॉरेनर्स के राइट्स क्या है इनको बताया गया है यहाँ पर, और फॉरेनर्स के ड्यूटीज़ क्या है वो भी बताया गया है। और बहुत खुशी की बात है, आज बहुत बेहतरीन रेजोल्यूशन के साथ नाइजीरियंस एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसमें सबसे पहली रेजोल्यूशन ये है कि एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस बात के पाबंद है कि किसी तरह की भी गैर कानूनी हरकत हिंदुस्तान की सरजमीन पर होती है तो एसोसिएशन उसकी खिलाफ बात करेगी और किसी तरह की गैर कानूनी हरकत की तायद एसोसिएशन नहीं करेगी। दूसरी बात, आज रेजोल्यूशन में एसोसिएशन ने पास की है, जिसमें इस बात की भी तशवीश जाहिर की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि इंसानी हकूक़ का वायलेशन हो रहा है, जिस पर इस सूरत में एसोसिएशन अनकरीब मिनिस्ट्री ऑफ होम और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को रिप्रेजेंटेशन देगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि कानून के तहत ही काम हो। और दूसरी रेजोल्यूशन इनमें ये है कि नाइजीरियन एसोसिएशन और तमाम नाइजीरिया के हैदराबाद और तेलंगाना में रहने वाले ये चीज़ की तय किए हैं, कमिटमेंट किए हैं कि किसी तरह की गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व होने वाले किसी तरह का नाइजीरिया। गुड इवनिंग, आई द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरियन एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना स्टेट एंड आंध्र प्रदेश। वी रीडिंग दिस रेजोल्यूशन टू ऑल गवर्नमेंटल मेंबर्स ऑफ इंडिया। वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट एवरी फॉर्म ऑफ इलीगैलिटी इन द सिटी। बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन दैट वी हैव राइट इन फ्रंट ऑफ यू, we are the association held, we the association held a meeting in Hyderabad, and in the presence of below arrested members, the following resolution has been resolved on this 13th day of August 2017 at Hyderabad as used on that. First is association of
Association of Nigeria, AP and Telangana State is committed and united against all unlawful activities of any such person and on other hand against violation of human rights and false accusation in media selectively by Nigerian Nation. And secondly, we have the Association of Nigeria is going to address the presentation to the government of Telangana State and central government about false implications and against the generalized accusation of the characters assassination of Nigeria. And on the resolution, we have so many other things like the eradication of suspects in the city, and we want to build based on our legal culture and our rich culture, the rich culture of India, to promote the skills of India. And at the same time, we are committed to guide the members for real cause and aim for the reasons of arriving in India. And the association is intending to present to the Ministry of Home, Telangana State, with regards to unlawful custodial harassment and to ensure that the rule of law shall prevail. The association abides the law of India and to educate the same to its member. And as well, we have the Association of Nigeria will address the media in support of unlawful activities and to voice against false accusation in media against the generalization of accusation against the nation of great Nigeria. And lastly, which we have there shall be a social boycott of such person and violates this law here in India. Thank you very much. सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।